क्रांति क्रांति चलो ना यार, कहाँ लेके आगे आगे जाना है, हमें भूल गया, जीआईडी के लिए आए हम। अरे तुम सो गए थे, मैंने फायदा उठा, अच्छी लोकेशन लगी, रुक गया। देखो कितनी खूबसूरत जगह। जगह खूबसूरत है, मान गया हूँ, लेकिन हम जीआईडी के लिए आए हैं, वो भूल गए क्या? जीआईडी ड्राइव के लिए तुम आए हो, मैं तो ड्राइविंग के लिए। कहानी कहीं और है, वहाँ जाना है हमें क्रांति, तो चलिए चलते हैं। थोड़ी देर हो। नहीं नहीं अब चल हो गया, लेट्स गो। ग्रेट इंडिया ड्राइव, हमारी वो एनुअल ड्राइव जिसपे हर साल हम निकलते हैं लंबे सफर पर नई कहानी ढूंढने। जैसे पहले एडिशन में हिंडे वेन्यू लेकर हम गए थे दिल्ली से बोधगया तक बुद्धास ट्रेल पर। फिर I-20 लेकर पैंडेमिक में इंसानियत के किस्से ढूंढने हम पंजाब गए। इस बार बारी है राजस्थान की और हम निकले हैं हिंडे क्रेटा में मिलने के लिए उन महिला एंटरप्रेन्योर से जिन्होंने न सिर्फ नए अनोखे फील्ड्स में कदम रखा और सफल हुई, इसके अलावा अपने आसपास के लोगों को भी साथ लिया और सबकी जिंदगी बदल दी। पहली कहानी है जैनब की, जिन्होंने कितने ही स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा और ऐसे फील्ड में सफलता हासिल की जो किसी को भी चौंका दे। अंकुर ने मैप सेट किया और सो गए, तो इसलिए मैं पूछ नहीं पाया कि कोटा में दरअसल कौन सी स्टोरी वो फॉलो करना चाह रहे थे। अंकुर, सो कोटा में हम मिलने वाले थे जैनब से, एंड अमूमन ये स्टोरी मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लगी क्योंकि स्टील इंडस्ट्री में जैनब का एक रोल है जो यहाँ पे निभा रही हैं, एंड बहुत ही रेयरली हम सुनते हैं कोई महिला इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं या इसमें काम कर रही हैं, तो इनकी स्टोरी हमें यहाँ पर ज़रूर बतानी चाहिए। सो जैनब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड फातिमा जैनब की टीम है। और आप स्टील इंडस्ट्री में, अंकुर जैसे बताया, बहुत यूनिक, कैसे शुरू किया, अब क्या है कहानी? I started the company in 2017. It's been 4 years. We'll be completing 5 years in September next year. और उसमें करते क्या? तो हम actually steel की trading करते हैं. It is sole trading, bulk trading. We purchase the material from manufacturers, big manufacturers in bulk, and we sell it to the customers. जो Not the end customers, जो मशीनिंग करते हैं उसके ऊपर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और फिर वो आगे अपने कस्टमर्स को बेचते हैं। So this is what we do. We are into sole trading. And along the way, आपकी फैमिली, आपकी सिस्टर भी आपको ज्वाइन कर गई। How does it work? काम करते हैं या केवल दीदी दीदी करके काम निकाल लेते हैं? So she is handling all my finances, my accounts, my GST, payments release करना, वो सब जो जितना money matter है वो सब मैंने अपनी छोटी बहन को दिया हुआ है। और how's your experience? Well, our experience is great till now. We are learning a lot from my sister, and yeah, we are hoping कि आगे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिले, and she is very flexible, you know, regarding the timings, regarding the work, and आई थिंक वो फ्लेक्सिबिलिटी उसने हमें दे रखी है, इसलिए हम काम कर पा रहे हैं। बट आप बाकियों की भी ऐसी मेंटरिंग कर रही थी, इनको बता रहे थे एक प्रोजेक्ट। हाँ, जोरिया करके जो बात हुई थी, थोड़ा उसके बारे में बताएं किस तरह से आप अभी प्लान कर रहे हैं वो कि उसको स्टार्ट करा जाए और फीमेल वर्कफोर्स को उससे जोड़ा जाए, उनको ये नॉलेज दी जाए। सो वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट कॉल्ड जोरिया, Zoria, the dawn of steel, goddess of dawn. So, this was a D-A-W-N, D-O-N wala nahi. So, this project is about, we want to teach, guide, mentor more and more women so that we can get more women in the industry. It is about creating more and more business owners, women business owners. It is about giving them the authority to do something jo kisi ne nahi socha hoga. करने के लिए, this is the new step, new era that we want to create with Zoria.
सो वी विल बी गाइडिंग वुमेन नॉट जस्ट इंडिया ग्लोबल लेवल पे. ये हमारी उम्मीद है कि हम करना चाहते हैं ग्लोबल लेवल पे. This is what I like the best about Great India Driver. जहाँ पर drive करने के लिए तो मुझे मिल ही रहा है, लेकिन इतने inspirational लोगों से मुलाकात होती है. Steel industry में कोई ऐसी महिला और उसने खुद से start किया हो, incredible story. बिल्कुल. एंड उनकी जो organization है Zoria करके, उसके ज़रिए और महिलाओं को भी steel industry में लाने की कोशिश वो कर रही हैं, which is really appreciative. And मैन ऑफ स्टील के बारे में हम अमूमन सुनते रहते हैं, लेकिन वुमेन ऑफ स्टील से हमारी मुलाकात कोटा में हो चुकी है. लेकिन हमारी इस ड्राइव ग्रेट इंडिया ड्राइव का सफर जारी है. अगला पड़ाव हमारा है जयपुर, एंड वहाँ पर भी मैं आपको बहुत बढ़िया से रंग दिखाने वाला हूँ. कोटा में स्टील की कहानी से निकलकर चलते हैं जयपुर में कागज की कहानी की तरफ, मिलने एक ऐसे अनोखी टीम से जिनकी सस्टेनेबिलिटी को लेकर कोशिश ने हमें तो चौंका दिया, शायद आप भी चौंकेंगे. अपने अपने घरों में रह के पता नहीं चलता कि दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, क्या नायाब चीजें चल रही हैं, कितनी दिलचस्प चीजें चल रही हैं. और जयपुर में थैंक यू अंकुर जो यहाँ पर लेके आए, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हमने देखी कि हैंडमेड पेपर्स तो आप और हम देख चुके हैं, लेकिन उन हैंडमेड पेपर्स में बीच यू नो सीट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट लगा जो पिंकी जी और शादा जी हमारे साथ हैं और उनका ये कॉन्सेप्ट है. और आपके कंपनी का नाम है सरप्राइज समवन और इसके पीछे थॉट क्या है? जैसा कि सरप्राइज समवन नाम सजेस्ट करता है, सरप्राइज से हमें मिलता है वाओ, और वाओ से हमें खुशियां मिलती है. सो वही हम कुछ ऐसा करते हैं हमारे वेंचर में. और हम पेपर बनाते हैं विदाउट कटिंग अ सिंगल ट्री, एक भी पेड़ नहीं काटते उसको बनाने के लिए. और अब हमने उसमें सीड्स डालना चालू कर दिया. पेपर हम कपड़े की लुगदी से बनाते हैं और अब उसमें हम सीड्स डाल देते हैं और उस पेपर से 1200 तरीके के प्रोडक्ट्स बना दिए हमने, जिससे कि आप उसको ग्रो कर सके. सो हमने टैगलाइन दी है व्हाई थ्रो व्हेन यू कैन ग्रो. तो जो फिल्मों में जैसे हीरो लव लेटर लिख के ऐसे फेंकते रहते हैं, तो जितने लेटर वो पन्ने फेंकेंगे उतने पौधे बन जाएंगे. एग्जैक्टली, अगर उसको यूज करेंगे तो. ये जो अंकुर ने पूछा था वही मैं फिर से पूछ रहा था, दोनों में से किसके पास ये आइडिया पहले आया? मॉम के पास ही आया था. नहीं, ये भी बहुत क्रिएटिव है. कैसे आया और शुरुआत कैसी, जो आप बता रहे थे स्टेज से शुरुआत हुई, तो वो पॉइंट बताइएगा जब इसका आइडिया आने के बाद ये प्रोसेस शुरू होगा. Thought कि I want to give time to my son. और मैंने वो देना चालू किया और जब मैं उसके साथ पूरा टाइम स्पेंड कर रही थी एक दिन, सो वो पेपर पे कुछ कलरिंग कर रहा था और फिर फेंक रहा था, फिर कलरिंग कर रहा था फिर फेंक रहा था, और नया नया उसको पेपर चाहिए था. तो मैंने बड़ी वेरी कैजुअली उसको बोला कि बेटा पेड़ कट के पेपर बनता है, आप ऐसे फेंको मत और बहुत पैसे लगते हैं इसको लाने में. तो उसने बड़ा छोटा सा था, उसने बोलना सीखा ही था, और उसने बोला फिर आप ही क्यों नहीं बना लेती हो पेपर और आपको लाना नहीं पड़ेगा. मैंने बोला वो सब नहीं ला सकते, आप ये नहीं करोगे. एंड मेरे मॉम डैड दोनों पास में ही बैठे थे और दे बोथ आर एनवायरमेंटलिस्ट. मेरी मॉम तो अभी मेरे साथ अग्री हो गई कि मेरे साथ इस जॉब मेरे को हेल्प करेंगी, बट दे बोथ हैव बीन दे डेडिकेटेड देयर लाइफ फॉर ट्रीज फॉर एनवायरमेंट. तो मेरे मॉम डैड ने बताया कि पेड़ तो बिना काटे तो पेपर बन सकता है, तुम्हें पता नहीं है. मेरे लिए बड़ा नया था. एंड उस दिन हमने पापा की ओल्ड वेस्ट से पेपर बनाया, उसको काटा, मिक्सी में डाला एंड स्ट्रेनर से स्ट्रेन किया और पल्प बनाया, छत पे गए, ड्राई किया, यूट्यूब खोला और पेपर बैग बनाया. और बड़ा एक्साइटमेंट था क्योंकि वो पहला सरप्राइज था आपके लिए. Yes. कि ऐसा भी हो सकता है. Yes. और उस दिन मतलब मैंने कुछ कैप्चर नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मैं कुछ ऐसा भी करने वाली हूँ. बट इट वॉज वेरी गुड एक्टिविटी फॉर अस एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर मेरी स्टोरी वहां से स्टार्ट हुई. एंड हाउ मेनी एम्प्लॉइज नाउ? वी हैव मोर देन 56 वुमेन अक्रॉस इंडिया. दे आर वर्किंग एज अ फ्रीलांसर्स विद अस एंड दे आर क्राफ्टर्स. क्या सोच के, क्या किस प्रोसेस से आप लोग नए प्रोडक्ट्स के बारे में? जैसे जैसा ओकेशन होता है उस हिसाब से हम लोग अपना आइडियाज़ निकालते हैं. जैसे ये पतंग के बॉक्स बनाए, फिर आगे होली आने वाली है तो उस वैलेंटाइन है, होली है,
तो इस तरीके से नए नए प्रोडक्ट में क्या नया यूनिकनेस होना चाहिए। हमें कभी भी कोई चिंता नहीं हुई कि कोई हमारी कॉपी कर लेगा या कुछ, अच्छा है ना। वो कॉपी करेगा तो हम नया आइडिया निकालेंगे नेक्स्ट टाइम। वी गॉट सिलेक्टेड इन टॉप 50 स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया एंड दैट्स व्हेन आई टोल्ड यू वी मेट सुरेश प्रभु सर इन IITF इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। और उस दिन से हमारी, वो कहते हैं ना, फ्लाइट टेक ऑफ हुई और सबसे पहला गवर्नमेंट का काम हमने उस टाइम किया और ये PMO ऑफिस में गए सारे और कैलेंडर हमारे और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, अप्रिशिएट का लेटर भी लिख के भेजा, तो वो हमारे लिए एक अमूल्य निधि है। व्हाट आई रियली लाइक इज कि जो आपका पूरा बिजनेस मॉडल 360 डिग्री सस्टेनेबल, मतलब चारों तरफ ग्रो ही करा रहा है, चाहे वो महिलाओं की मदद हो या फिर जिस तरीके के आप इको फ्रेंडली चीजें बना रहे हैं, तो कहीं से भी कोई भी वेस्ट नहीं निकल रहा है। बिल्कुल, एंड दिस इज रियली इंस्पायरिंग। इन कहानियों की खासियत ये रही कि न सिर्फ इन्होंने खुद तरक्की की बल्कि आसपास के लोगों को भी साथ लिया, उन्हें भी एंटरप्रेन्योर बना दिया। जैसे नीरजा इंटरनेशनल की कहानी देखिए। वेयर इंडिया ड्राइव के सबसे कलरफुल पड़ाव पे फिलहाल पहुंच रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट वन ग्रेट इंडियन ट्रेडिशन, ब्लू पॉटरी, और उसके बारे में शायद लीला जी से बेहतर और कोई नहीं होगा बताने के लिए। 1974 में मैं जयपुर आई और यहाँ पे मुझे लगा कि मुझे कुछ करना है, तो मैं जगह जगह जाया करती थी और वहाँ पे मैंने देखा कि एक कमरे में 5 लोग बैठे हुए काम कर रहे हैं। और उनसे जब मैंने ये पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जयपुर ब्लू पॉटरी बनाते हैं। मैंने पूछा ब्लू पॉटरी क्या होती है, बोले चीनी मिट्टी के बर्तन। अच्छा, तो आप लोग कहाँ से हैं, बोले हम उस गांव से हैं। तो क्यों नहीं गांव में जाते, बोले बहुत मुश्किल है जाना हमारे लिए, वहाँ कौन काम देगा। और मैंने बड़े शान से उनसे कह दिया कि ठीक है मैं काम देऊँगी। और उस तरह हमें 2 साल लगे उनको वो करने में। और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि हमें अनोखी के थ्रू एक बायर मिले और उन्होंने ये कहा कि अगर आप जयपुर ब्लू पॉटरी करते हैं तो बीट कर्टन बना के दीजिए। तो बीट कर्टन तो कभी बने नहीं थे, तो देखिए ये हमने उस समय 76 में ये बीट्स बनाए, काफ़ी उसके स्ट्रिंग्स बनाए, स्ट्रिंग्स बना के हमने भेजे और हम फेल हो गए। हमें पता चला कि हमने बहुत होमवर्क नहीं किया था, इस वजह से जो बीट कर्टन बने थे बहुत छोटे बड़े बन गए, बीट्स के कलर ठीक नहीं थे, ये नहीं थे। एंड तभी मैंने ये सोचा कि पहले मैं सीखूं अच्छे से और फिर मैं इसमें और चीज़ें वो करूं। और तब तक हिंदुस्तान में, अपने भारत में कोई भी बीट सिरेमिक में नहीं बनाते थे। अच्छा। और एक चीज़ मैंने ध्यान दी थी कि अगर हम आर्ट एंड क्राफ्ट में जाते हैं या कोई भी हम क्राफ्ट को लेते हैं, तो यूटिलिटी की आइटम होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम उसका मार्केट बहुत आगे बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम दे सकते हैं। तो इसके बाद हमने बहुत सारे इनोवेशन भी किए और उसके साथ बहुत सारे अलग अलग तरह के चीज़ें भी हमने बनानी शुरू करी। अब ज़्यादा लोगों को काम देने वाली बात जो कर रही हैं जी, सो वो वर्कफोर्स को आपने कैसे जोड़ा, आप गांव जो जिन लोगों को आपने कहा कि ये काम को हमें इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए जी, तो वहाँ पे आपने उन लोगों को इस काम के साथ कैसे जोड़ा और वो सफ़र किस तरह का रहा? मुझे कम से कम 2 से 4 साल लगे ये उन्हें बताने में कि आप अपने गांव में रहिए, वहीं के लोगों को आप इन्वॉल्व कीजिए, वहीं पे आप उसका काम कीजिए। और फिर मुझे लगा कि जब मेरे को उनको काम देना है तो मुझे भी सीखना पड़ेगा, तो मैं भी सीखती रही। जब उन लोगों ने माल बना दिया तो हमारे पास ये मुश्किल आई कि माल तो बना दिया, उनको पैसा देना है, फिर क्या करें। और इस तरह हमने उसको बेचना शुरू किया, तो EPCH एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के थ्रू हमने इस माल को बेचना शुरू किया और धीरे धीरे लोग बाग इससे जुड़ते गए और हम आगे से आगे बढ़ते गए। पर मेन जो चीज़ हमारी वो थी कि छोटे छोटे यूनिट्स हमने बनाई, छोटे छोटे हब बनाए और वो अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर बन गए। अच्छा, और आज वो एंटरप्रेन्योर हमारे से सारे जुड़े हुए हैं। वो आपने अलग अलग विलेजेस जो हैं वो अपने आप में एक अलग इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो वही मैं चाहती थी कि वो अपने आप में अपनी यूनिट वो हो, ताकि वो पूरी फैमिली काम कर सकें। और साथ ही साथ फैमिली तो काम करेगी करेगी, पर आसपास के लोग भी उससे आगे से आगे बढ़ पाएंगे। और वही मेरा मेन मोटो था कि गाँव में रहें, खेती करें और क्राफ्ट को आगे बढ़ाएं, तभी हमारा क्राफ्ट भी सर्वाइव करेगा और गांव भी सुरक्षित रहेंगे और ये स्लम एरिया नहीं बनेगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितने फैमिलीज आपसे जुड़े हुए हैं? देखिए 500 से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं। अच्छा।
पर खुशी की ये बात है कि ज़्यादातर यूनिट्स जो हैं वो अपने आप में एंटरप्रेन्योर हैं, तो अगर मैं रहूं ना रहूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेल्फ सस्टेन करेंगी। अब ब्लू पॉटरी से चलते हैं कुछ कागज के खेल की तरफ। पेपर माशे का नाम सुना होगा आपने, वो भी राजस्थान सेंट्रिक आर्ट है, लेकिन वहां भी इसका इकोसिस्टम बनाना आसान नहीं था। चैलेंजेस डेफिनेटली थे, क्योंकि ये एक तो पहली चीज़ ये आर्ट जो है वो मतलब एक तरह से विलुप्त हो गई है। लोग इसके बारे में जानते हैं लेकिन सब ये बोलते हैं अरे मेरी दादी बनाती थी ये, तो अब कोई नहीं करना चाहता उस चीज़ को। और जब हमने शुरू किया तो रिएक्शंस भी ऐसे ही थे, लोगों के आसपास के रिएक्शंस भी ऐसे ही थे कि ये क्या बना रहे हो, इससे क्या होगा, क्यों सेठ जी अपने पैसे ख़राब कर रहे हो, क्यों अपना टाइम ख़राब कर रहे हो, क्यों इन गाँव वालों का टाइम ख़राब कर रहे हो, तो ऐसे सवाल बहुत सारे आते थे और बहुत सारे लोग भी आते थे यही बोल के जाते थे। तो हम उनको ये कहते थे कि कोशिश कर रहे हैं, करने दो। विमेन ओरिएंटेड इसलिए था क्योंकि इन लोगों को पहले से इस आर्ट की नॉलेज थी, तो ऑब्वियसली द टारगेट ग्रुप वाज द विमेन। पर दूसरा चैलेंज हमारे लिए ये था कि इनको काम पे कैसे ले जाएं, कैसे लाया जाए, क्योंकि ये है कि भाई औरतें काम कैसे करेंगी, क्या काम करेंगी और इनके साथ मिलके आप क्या काम कर लो। मतलब इनिशियल स्टेज में ये था कि डेफिनेटली हमारे को लोकल चैलेंजेस बहुत सारे थे क्योंकि लोगों को समझ नहीं थी, बट देर वर अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जिनको हम मिले, जिनको हमने आइडिया बताया तो उन्होंने अप्रिशिएट किया। हर चीज़ के पीछे मोटिवेशन होती है, जैसे आप लोग आए हो आज तो हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, हमारी टीम के लिए मोटिवेशन है। और यहाँ पे किस किस तरह का प्रोडक्ट आप बनाते हैं और कहाँ कहाँ जाता है? मेनली यहाँ पे पेपर मैशी है और दूसरा हम टेराकोटा बनाते हैं यहाँ पे, मोस्टली पेपर मैशी, बिकॉज पेपर मैशी अब आजकल बाहर भी काफ़ी प्रमोट हुआ है और हमारे बाहर के बहुत कंट्रीज़ में जा रहा है, US, यूरोप की काफ़ी कंट्रीज़ लाइक स्वीडन, फ्रांस, डेनमार्क में भी हमारा एक अभी ऑर्डर गया है, तो वो काफ़ी उस चीज़ को पसंद करते हैं और ऑब्वियसली इन लोगों के लिए बहुत इनकरेजमेंट है कि हमारा चीज़, हमारा टैलेंट बाहर जा रहा है। 16+ कंट्रीज़ में वी आर डूइंग फैंटास्टिक। And any change you've seen आसपास सोसाइटी जब आपने शुरू किया था और आज? हाँ, आसपास के जो गांव हैं बहुत चेंज है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो व्हेन पीपल सी कंटेनर्स कमिंग, व्हेन दे सी लोडिंग इज हैपनिंग, व्हेन दे सी सो मेनी पीपल आर वर्किंग, वी हैव अराउंड 75+ पीपल वर्किंग हियर, सो व्हेन दे सी दैट दे सी यस थिंग्स आर मूविंग। हमने सुना था कि आप शायद सबसे पुराने एम्प्लॉय हैं यहाँ पर काम करने वाले। अच्छा, तो हमारा जैसे दिमाग चला वैसे हम भी चलाए। बहुत बढ़िया, कुछ हमारे मालिक भी ला के दिया तो वो भी देखे किया। लिए अच्छा धंधा खोला ना हमारा सर, तो हमारे के लिए सेठ ने हमारा अच्छा चैटिंग दिखाया, वैसे बनाओ सिखाया भी हमारे को। अच्छा, लेकिन दादी माँ तो थोड़ा बनाती थी हमारी, लेकिन सर की दादी माँ और आगे से सर देखता था तो वो हमारे को दिया ना ऐसे आइटम बनाना, वो सिखाया भी, हम भी सीखा उसके पास। सुक्रांति, इस ग्रेट इंडिया ड्राइव के सफर पर निकलने से पहले आपका बिंदु दो जगह विश्राम कर चुका था कि आप सिर्फ ड्राइव करेंगे, नज़ारों के मजे लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। वही फिर से हुआ और तुमने, तुम्हारा बिंदु विश्राम हो चुका था कि तुम सो गए और तुम देखो फिर से कितनी अच्छी जगह लेके आया। जगह सुंदर है, यस, बट फॉर्चुनेटली इस सफर के दौरान मैंने आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग लोगों से मिलवाया। वो है उसमें न सिर्फ मैं इंस्पायर हुआ, आई होप आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे थे, जो ग्रेट इंडिया ड्राइव विद ह्यूमन क्रेटा के इस एडिशन में जिन लोगों से आपको हमने मिलवाया था उनकी स्टोरी से आप भी इंस्पायर हुए होंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और इस उम्मीद के साथ कि पिछले साल से बेहतर अगला साल हो, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय, ड्राइव सेफली। इस रंग बिरंगे राजस्थान से, इस रंग बिरंगे लोकेशन से ग्रेट इंडिया ड्राइव के इस एडिशन को ख़त्म करते हैं, बाय तथा बाय।